अब भारत में लगेगी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को मिली मंजूरी। जी हां, भारत में अब सिंगल डोज की कोरोना वैक्सीन से कोरोना का इलाज होगा। जी हां, जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ अब भारत में 5 वैक्सीन्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी है। खास बात यह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली यह पहली ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज में ही काम करेगी। आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने 5 अगस्त को भारत सरकार से सिंगल डोज वैक्सीनेशन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी, जो कि अब मिल गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया की ये वैक्सीन अब लगाई जाएगी। आपको बता दें कि 7 अगस्त को भारत सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, ताकि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके। कोरोना के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की इस वैक्सीन को 85% प्रभावी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद जॉनसन 5वीं वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। अभी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूसी स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी केंद्रों पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में स्पुतनिक भी उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि अभी तक भारत में इस्तेमाल हो रही वैक्सीन की 2 डोज दी जा रही है, जिसमें कोविशील्ड की 2 डोज के भीतर 84 दिन का, जबकि कोवैक्सीन 4-6 हफ्तों के अंतर में दी जा रही है। लेकिन अब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी आ गई है, जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।